Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज ना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ कर रही थी। मैंने अपने लिए चाय पराठा बनाया था और आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि ना मेरा कज़िन भाई आने वाला है आयरलैंड से। मान एयरपोर्ट पर उसका ना ले ओवर है 18 आवर्स का, वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है तो नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट है। तो हमने उसे कहा कि तुम यहाँ पर हमारे घर आ जाना क्योंकि उसके पास वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ था। तो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ कर रही हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ डबल का मीठा। डबल का मीठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर टोस्ट, जो हमारे चाय के रस्क होते हैं वो, और मिल्क पाउडर, शुगर, देसी घी, कुछ नट्स और यहाँ पर फ्रेश क्रीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे शक्कर की चाशनी। तो जो बॉल से हमने यहाँ पर शक्कर लिया है उसी बॉल से हम 2 कप वाटर डालेंगे इसमें और चाशनी बनाने के लिए इसे रख देंगे। के बाद हम इसमें 2 इलायची के टुकड़े कूट कर डालेंगे, इससे ना फ्लेवर अच्छा आता है हमारी चाशनी में, और इसे हम लो फ्लेम पे बनने के लिए रख देंगे। इसके बाद ना हम एक बड़ा पैन लेंगे और इसमें ना घी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। इसमें ना हम अपने जो टोस्ट है उसे फ्राई करेंगे और हमें इसे अच्छा गोल्डन फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये रेसिपी ना बहुत इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब भी आपके घर गेस्ट आए तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। और एक साइड से देखिए हमारे यहाँ पर टोस्ट भी अच्छे से ब्राउन हो गए थे और अभी मैं दूसरी साइड से इनके ऊपर घी लगाऊंगी और इन्हें पलट के रख दूंगी। और मैं इन्हें ना पलटते जाऊंगी। आप इनका कलर देखिए, एकदम ब्राउन हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी टोस्ट बने हैं हमारे। हमें इन्हें ना घी में डीप फ्राई नहीं करना है, बस जस्ट हमें घी लगा के इन्हें अच्छे से सेकना है। और यहाँ हमारी चाशनी भी देखिए तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैच हमारी रेडी हो गई है और मैं इन्हें निकाल के ना साइड में रखते जाऊँगी और जो टोस्ट नहीं हुए हैं मैं उन्हें डबल से पलट के रखूँगी। फर्स्ट बैच हमारी रेडी हो गई है तो मैंने सारे टोस्ट को निकाल के साइड में रख दिया है और सेकंड बैच के लिए मैंने फिर से यहाँ पैन में घी ऐड किया है और मैं सब टोस्ट को अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूँगी। सेम प्रोसेस हम उसी तरह करना है। मैं इनके ऊपर घी लगाऊंगी, पलट दूंगी और इनका जब तक कलर ब्राउन ना हो जाता है तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और यहाँ पर हमारे टोस्ट भी फ्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा है कि आज मैं आप लोगों से इंस्टेंट खोए की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और मेरे पास फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास घर की बनाई हुई फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये जो रेडीमेड है वो उससे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और हमें इसे ना अच्छे से मिक्स करना है पूरा। हमें ना मिल्क पाउडर को क्रीम में ना अच्छे से देखिए मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में रख देना है। एक मिनट होने के बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी और इसे फिर से हमें मिक्स करना है अच्छे से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसमें 1 मिनट के लिए वापस रखेंगे। एक मिनट और हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे और बाहर निकालेंगे और फिर से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें इसे वापस 10 सेकंड के लिए
रख देंगे और फाइनल हमारा खोया यहाँ पर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मिक्सर का पॉट लूँगी और उसमें ये जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड करूँगी। उसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी ऐड करूँगी, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और दो इलायची के पीस ऐड करूँगी। इसके बाद ना हमें इसे पीसना है, हमें ना इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, सिर्फ बुरबुरा सा हमें एक पाउडर जैसा बनाना है इसे। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारा पाउडर भी रेडी हो गया है ड्राई फ्रूट का। इस तरह से ना मैंने एक बड़े पॉट में सारे टोस्ट को जमा कर रख दिया है और जो हमारी चाशनी है वो मैं इन पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट का पाउडर हमने पीस के रखा था वो हम इसमें डालेंगे। के बाद ना हमने जो खोया बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और खोया डालने से ना डबल के मीठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और फाइनल लुक देखिए आप हमारे डबल के मीठे की। आप चाहे तो इसे ब्रेड के जैसा भी खा सकते हैं या आप चाहे तो इसे ना मिक्स करके भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने इसे मिक्स कर दिया है क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को इस तरह से मिक्स करा हुआ ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना इसे अभी पिस्ते से गार्निशिंग करूँगी और जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है वो इसमें ना मैं ऊपर से ऐड करूँगी। इस तरह से मैंने इसे डिश आउट किया है और हमारा डबल का मीठा यहाँ पर रेडी है और बहुत ही यमी बना है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और शाम को ना मेरा भाई घर आ गया था, उसकी फ़्लाइट 8 बजे कुछ आ गई थी और वो टर्की से आया था, तो उसने टर्की से मेरे लिए ना कुछ स्वीट्स और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स लेके आया था। और हमने रात में बहुत सारी बातें की, बहुत गप्पे लड़ाए। और मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल क्लीन कर रही थी और कैंडल वगैरह जला रही थी। और ब्रेकफास्ट में उसने कहा था कि उसे ना ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, उसे घर का ना पराठा खाना है, क्योंकि वो भी चाय पराठा लवर है। और कौन कौन चाय पराठा लवर है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे, हस्बैंड ना उसे ओमान के बारे में बता रहे थे। और ब्रेकफास्ट के बाद ना हम उसे लेकर जाएंगे जो नियर बाय प्लेसेस है ओमान की, वो उसे हम घुमाएंगे। यहाँ पर ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं सब टेबल वगैरह क्लीन कर रही थी क्योंकि हमें ना बाहर जाना था। सबसे पहले ना हम उसे ले जा रहे हैं यहाँ पर ग्रैंड मॉस्क, तो यहाँ की जो बड़ी मस्जिद हम जिसे कहते हैं, तो हम उसे यहाँ लाए थे बताने के लिए। पर टूरिस्ट के लिए ना मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो मॉर्निंग में मस्जिद अंदर जाकर पूरी अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा टूरिस्ट के लिए अलग से बनाया हुआ है। उसके बाद ना हम उसे यहाँ पर क्रूम बीच लेके आए थे, ये भी बहुत फेमस बीच है ओमान की। और ये ना क्रूम बीच के पास हिडन स्पॉट करके हैं, यहाँ पर से भी देखिए आप इतना खूबसूरत लगता है, तो ये भी बहुत अच्छी जगह है।
घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला और वापस अब हम घर जा रहे थे क्योंकि मुझे ना कुकिंग भी करना थी। तो उसने कहा था कि उसे ना भाजी चाहिए घर की, तो मैं यहाँ पर उसके लिए ना मेथी की भाजी बना रही थी और देसी चिकन मैंने बनाया था। उसकी रेसिपी तो शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि ना ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल दिया था, तो अभी ना ये लोग लंच कर रहे थे क्योंकि ये लोगों की फ़्लाइट थी 3 o'clock की, तो हम अभी सब साथ में लंच कर रहे थे। और यहाँ पर फातिमा को भी देखिए, बैग लटकाए हुए रेडी हो गई है, अपना पिल्लो लेके अब स्लीपिंग पिल्लो बना दिया है और वो भी उसके मामा के साथ जाने के लिए रेडी हो गई है। और यहाँ पर ये लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे, इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। और हम मुझे ना इतना बुरा लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, एकदम से कोई आता है और हमारे घर से वापस चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो बच्चे भी काफ़ी रो रहे थे, मरियम तो बहुत नर्वस हो गई थी, एक दिन किधर गया पता भी नहीं चला हमें। पर हस्बैंड भी जा रहे हैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। मरियम और फातिमा इतने नर्वस हो रहे थे तो मैंने उन्हें, जो भाई ने चॉकलेट लेकर आया था वो मैंने इन्हें दिया, तो देख के काफी खुश हो रहे थे। मेरे भाई ने यहाँ पर तुर्किश स्वीट लेके आया था तो मैंने कहा चलो वो भी मैं ओपन करके देखती हूँ। तो ये देखिए, ये है तुर्किश मिठाई जो कि बहुत फेमस होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।